डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट एन इंटरवल। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे, वो देखेंगे कि कोई फंक्शन है वो डेरिवेटिव है कोई एक इंटरवल में, किसी एक इंटरवल दिया होगा, वो इंटरवल ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं ओपन इंटरवल पर डेफिनेशन। इन अ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में फंक्शन डेरिवेटिव होगा, ये हम किस तरह से चेक करेंगे। आ फंक्शन एफ इज कॉल्ड डिफ्रेंसिबल ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कोई एक ओपन इंटरवल है ए बी। फ्रेंड्स ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे ये इंटरवल है ए बी, अगर ये ओपन है तो इसका मतलब है ए इसमें शामिल नहीं है, बी शामिल नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच में जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। इफ़ इट इज़ डिफ्रेंसिबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि इस जो ओपन इंटरवल है उसके हर पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिफ्रेंसिबल है, तो हम कहेंगे जो फंक्शन है उस ओपन इंटरवल पर डिफ्रेंसिबल है। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं इन अ क्लोज इंटरवल, यानी कि अब क्लोज इंटरवल पे फंक्शन को हम किस तरह चेक करेंगे कि वो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। आप फंक्शन एफ डिफाइन ऑन ए बी, यानी कोई फंक्शन है वो एफ है जो कि ए बी पे डिफाइन है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यानी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ओपन इंटरवल में हमारे पास ए और बी को हम इंटरवल में शामिल नहीं करते, लेकिन इसमें ए और बी जो होते हैं वो इंटरवल के पार्ट होते हैं। तो कब कहलाएगा, इफ एफ डैश सी एग्जिस्ट फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, यानी ओपन इंटरवल पे वो हमारे पास डिफरेंशिएबल है। सेकंड आर एफ डैश ए, यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ ए बी एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली। और सेकंड हम देखेंगे एल एफ डैश सी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ बी पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है। अब फ्रेंड डिफ्रेंसिबिलिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।